नमस्कार दोस्तों, आज मैं रीजनिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन जिसमें मिसिंग नंबर होता है, जैसे कि यहाँ पे मिसिंग नंबर है ना, या तो ये कोई इस तरह का डिजाइन में रहेगा या मैट्रिक्स में रहेगा, ठीक है, और उसमें से एक नंबर मिसिंग रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको अपना कैलकुलेटिव माइंड को बहुत ही इसमें तेज रखना होगा। इसके लिए आपको गुना, डिवाइड, प्लस में जो स्क्वायर होता है ना, और क्यू कम से कम स्क्वायर 35 तक और क्यू कम से कम 10 तक, ठीक है। आपको ये सब अगर कंप्लीट है, साथ में आपको 25 तक टेबल भी, तो आपको इस तरह के रीजनिंग में कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आपको ये सब नहीं आता है या बिल्कुल अच्छी तरह से याद नहीं है स्क्वायर या क्यू या जो टेबल है ना, तो फिर इस तरह के रीजनिंग में आपको बहुत दिक्कत होगा। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या है, बीच में 80 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। तो देखने से ही लग रहा है कि ये शायद गुना होगा, ठीक है। तो 5 चौके 20 और 20 दूनी 40, लेकिन यहाँ लिखा है 80, यानी कि 2 गुना किया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 3 9, 9 5 45, लेकिन यहाँ पे लिखा है कितना, 225, यानी कि 45 5 225 होता है, ठीक है, पता होगा आपको। यानी यहाँ पे 5 गुना किया है। तो देखिए यहाँ पे 2 गुना किया था पहला में, यहाँ पे दूसरा में 5 गुना किया है। तो हम लोग इसको कैसे इसको वेरीफाई करें, अगला में कितना गुना करेंगे, है ना, तो आंसर कैसे निकलेगा। तो इसके लिए क्या हम लोग देखेंगे कि देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर करने पे वो 2 गुना होता है, 5 का स्क्वायर करने पे 5 गुना हुआ है ना, ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा 5 से गुना किया है दूसरा में, और पहला में एक्स्ट्रा 2 से गुना किया है, यानी कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर किया है, वहाँ पे 5 का स्क्वायर किया है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग तीसरे वाले फिगर में देख लेंगे, 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24, और प्लस में अगर यहाँ पे 6 का स्क्वायर किए हुए हैं तो 24 और गुना एक्स्ट्रा अलग से 6 का, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम लोग का आंसर आ जाएगा 6 चौके 24, अंतिम में 4, यानी कि हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 144, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या किया है, यहाँ पे 6 12 18 30, देखिए 6 से 3 किया है भाग हो सकता है, ठीक है, 6 से 3 कट सकता है। उसी तरह से यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 16 है, 32 है 40 है, 8 दूनी 16 चौके 32 25 40, और दूनी 6 दूनी 12 18 25 30, ठीक है। 2 3 5 2 4 3, तो यहाँ पे कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे तो कोई एग्जैक्ट भागा हो नहीं रहा है, लेकिन एक चीज़ देखिए कि 6 जो है ये तीनों का क्या है, मासा है, यानी कि HCF है। उसी तरह से 8 भी क्या है, ये तीनों का HCF है ना। तो उसी तरह से इस तीनों का 36 18 और 27, यानी 36 18 और 27, ये तीनों का HCF कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का तीनों का HCF 9, ठीक है। 9 से 3 कट जाएगा, 6 से ये तो कटेगा, ये नहीं कटेगा, ठीक है, 9 से ये 3 कटेगा, इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9। देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या है, 6 5 जोड़ने पे देखिए यहाँ पे क्या है, बीच में 11, ये तीसरा आपको बीच का ही वर्ड पूछा है तीसरा में। तो देखिए ये नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है ये सम से, ठीक है, यानी कि या तो जोड़ किया है तो इसमें घटाव किया, यही दो में से कुछ किया है। गुना गुना करेगा तो फिर वो नंबर काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कैसे करेंगे,
पाँच ग्यारह, सात चार ग्यारह, यहाँ से भी जोड़ने के बाद ग्यारह आया, इधर से भी ग्यारह आया। छः तीन नौ, आठ दो दस, तो ये वाला नियम तो नहीं चलेगा, ठीक है। जोड़ने वाला, यहाँ से जोड़ने वाला नियम नहीं चलेगा। उसका कुछ और हम देख लेते हैं, तो पाँच और सात बारह, छः और चार दस, बारह और दस बाईस, बाईस को आधा कर दिया ग्यारह, ठीक है। आठ तीन ग्यारह, छः दो आठ, यानी कि उन्नीस, उन्नीस को आधा करेगा तो पॉइंट में आएगा, यानी कि यहाँ जोड़ कर भी आधा करने पे ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसमें कुछ और किया होगा। फिर देखिए, सेवन फाइव या 35, यानी पाँच को सात से गुना कर दिया, छः चौके 24, ठीक है, माइनस 24, यहाँ पे ग्यारह आया। उसी तरह से अठकाठ, 8 × 16 = 24, ठीक है, 24, और छः दूनी 12, 12, ठीक है, यहाँ भी 12 है। इसका मतलब कहीं रूल फॉलो कर रहा है, ये डायगोनली गुना कर रहा है और उसके बाद फिर दोनों को घटा दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग यही करेंगे, पाँच चौके 20 और 8 × 16, ठीक है, कितना हो गया 4, यानी कि ऑप्शन डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आप देखिए कि बीज का हम लोग को संख्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें तो सबका सब किसी न किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। ये दो का स्क्वायर है, चार का स्क्वायर है, ये तीन का है, ये पाँच का है, ठीक है। पाँच दो सात, सात चार ग्यारह, तीन 14, यानी कि 5 + 2 + 4 + 3 सबको जोड़ दिया है। उसी तरह यहाँ भी देखिए कि तीन का स्क्वायर है, ये सात का है, ये छः का है, ये एक का है, ये सबको जोड़ दीजिए। 7 × 3 = 10, 6 × 16 = 17, तो यहाँ के यानी कि हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 17। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में ये संख्या बीच का काफ़ी छोटा है और दोनों तरफ का संख्या काफ़ी बड़ा है, तो एक चांस है कि ये क्या हो सकता है, ये स्क्वायर में जा सकता है ना, ये स्क्वायर में जा सकता है, क्योंकि 16 का स्क्वायर होता है 256, ठीक है। और ये दोनों को हम घटा दें अगर देखें तो ये 200 के आसपास में संख्या पहुंचेगा, ठीक है, 200 से कम पहुंचेगा, लगभग 180 पहुंचेगा, ठीक है। उसी तरह 25 का स्क्वायर होता है 625, यहाँ पे घटाएं तो लगभग 200 के आसपास में ये भी जब पहुंचेगा, ठीक है। तो 625 को 200 के आसपास में कैसे ले जाएं, थोड़ा दिक्कत लग रहा है ना। तो देखिए इसमें कुछ और ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो स्क्वायर और उसको घटाने का ये सिस्टम फॉलो तो करेगा नहीं इसमें। क्यू का इसमें कहीं कोई बात है नहीं, तो हम लोग देखेंगे कि अंक को देखिए, इसमें देखिए 3 + 4 = 7 + 1 = 8, 9 + 2 = 11, 5 = 16, इसमें सब अंकों को एक एक करके जोड़ दिया है। 341 को 341 और 521 को 521, ठीक है, लिख के हम लोग सबको जोड़ देते हैं। ये आ गया 16। देखिए क्या दूसरा में नियम फॉलो कहता है, तो 6 + 7 = 10, 8 + 18 = 19, 19 + 6 = 25, हाँ ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ भी जोड़ देंगे, 4 + 5 + 2 + 3 + 2 + 6, 4 × 5 = 9, 2 + 11 = 13, 14 + 2 = 16, 16 + 6 = 22, ठीक है।
हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए, ये तीनों संख्या काफ़ी छोटा है और ये बड़ा है ना, काफ़ी बड़ा है, तो हो ना हो इसमें क्या है मल्टीप्लीकेशन या फिर स्क्वायर को जोड़ने का काम किया होगा। जैसे कि हम लोग 6 का स्क्वायर देखें तो 36 प्लस 9 प्लस 9 ये हो गया आपको 9 दूनी 18, 18 6 24 के 2 स्क्वायर को जोड़ने के बाद आ गया है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ भी देखते हैं 7 7 जा 49 49 और प्लस में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 49 तो 98 वहीं पे हो गया, प्लस में 4 जाएगा तो 102 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, स्क्वायर को जोड़ने का वाला काम इसमें फॉलो नहीं होगा। फिर देखिए गुना करके देख लेते हैं, 6 तिया 18, 18 तिया 54, हाँ गुना करके भी ये मिल रहा है, 6 तिया 18 तिया 54, क्या दूसरा फॉलो होगा 7 7 जा 49 और 49 2 जा 98, हाँ ये फॉलो ले लिया, ठीक है, इसमें फॉलो हो गया 7 गुने 7 गुने 2 98, ठीक है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 5 तिया 15 और 15 में क्या गुना कर देंगे 60 आ जाए, तो 15 चौके 60, ठीक है, यानी क्या हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4, ठीक है। इसमें देखिए आप इसमें एक चीज़ देखिएगा कि ये क्या है, 5 का स्क्वायर है 25, ये 7 का स्क्वायर है 121, 11 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 5 7 11, तो देखिए घूम रहा है 5 7 9 और 11, यानी कि यहाँ 9 होगा, यानी कि 9 का स्क्वायर होगा 81, हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 81। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 22 है और ये तीनों संख्या के काफ़ी करीब है 22, यानी कि यहाँ पे या तो जोड़ा होगा या तो कुछ छोटा मोटा स्क्वायर किया होगा, क्योंकि बड़ा स्क्वायर इसमें करेगा 9 का स्क्वायर नहीं करेगा, 4 का स्क्वायर तक कर सकता है, 5 का कर सकता है, 9 का स्क्वायर भी बहुत बड़ा चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 9 4 जोड़ के देखते हैं, 9 4 13 13 5 18, नहीं लिया। फिर देखिए यहाँ पे 20 और 25 दोनों संख्या काफ़ी बड़ा हो गया। यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स का क्वेश्चन में देखना पड़ता है कि कई बार सीरीज ऐसा चलता है और कई बार ऐसा चलता है, ठीक है। तो हम लोग जनरली ऐसा ऊपर से नीचे तो देख लेते हैं, लेकिन ये देखना भूल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो देखिए हम लोग इसमें ऐसे भी चल के देखते हैं, ठीक है। तो 5 6 11 11 9 20, 4 8 12 12 3 15, मतलब 4 में से 3 संख्या को जोड़ को सबसे बड़ा वाला संख्या आ रहा है, ठीक है। यहाँ भी देखिए 25 सबसे बड़ा है, तो 9 दूनी 18 18 7 25, यहाँ पे 22 सबसे बड़ा है, तो 7 8 15 15 में क्या जोड़ दे कि वो 22 आ जाए, तो 15 में 7 जोड़ेंगे तो वो 22 आ जाएगा, यानी कि हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इसमें बहुत से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल स्टडी विथ नौकरी वालों के पास सब्सक्राइब करें, अगर हो सकता है तो वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।